Hello, Assalamu Alaikum. Welcome to our YouTube channel Learning with Nayar. Today we are going to discuss about the present continuous tense. हमने present simple या present indefinite tense को हमने last video में अच्छे तरीके से clear कर दिया था, और अगर आपको किसी भी किस्म का question है तो आप इस video के comment section में भी पूछ सकते हैं, और वो video आप जाकर देख लें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बेस है, उसमें बिल्कुल हैबिट्स वाली बातें हैं। तो वो अगर आप अच्छे तरीके से समझ गए तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब है कि इस सा टेंस हमने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसमें कोई किसी भी किस्म का कोई काम जारी हो। तो यहाँ पर ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मतलब कि प्रेजेंट में, हाजिर दौर में किसी भी किस्म का अगर काम जारी होगा तो उसको हम कहेंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो लेट्स राइट द फार्मूलाज एंड द एग्जांपल्स ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो यहाँ पर हमने फार्मूला लिख लिया है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए क्या फार्मूला है कि सब्जेक्ट क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में भी यूनिट्स को डिस्कस किया था, अभी भी इसको शॉर्टली बता देते हैं। सब्जेक्ट डूअर ऑफ द वर्क एंड द डिस्कशन, जो काम करने वाला हो सिंपली, जिसको हम बोले हैं उर्दू लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में। और यहाँ पर क्या है कि हेल्पिंग वर्ब का क्या मतलब है कि जो पूरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को हेल्प कर रहा हो एक अच्छे तरीके से मीनिंग और सेंस देने के लिए, उसको हम बोलेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है। और उसके साथ साथ क्या है कि ये वी फोर, मतलब कि जो मेन वर्ब है, यहाँ पर जो वर्ब है उसका फोर्थ फॉर्म लगाना है आपने, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक अच्छा सा सेंटेंस बन जाएगा जिसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। सब्जेक्ट लिख लिया हमने, इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं और उनके लिए कौन कौन सी जो है ना सब्जेक्ट हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ इसको एज एग्जांपल लेना है, जो हम सभी जानते हैं वैसे, इंग्लिश को पढ़ने के अलावा भी इसको हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि सब्जेक्ट हम ले लेते हैं आई, और आई के साथ आपको पता है हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, अगर काम जारी हो तो ये आएगा एम, प्लस यहाँ पर प्लस की साइन नहीं लगाते। और वी फोर अगर आप बोलें कि मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ तो वही लिख लेता हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, इसका मतलब है कि मैं एक खत लिख रहा हूँ, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, तो ये हमने यहाँ पर इसका बना दिया। तो यहाँ पर जो आई है वो सब्जेक्ट है, और उसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम हेल्पिंग वर्ब है, और वी फोर राइटिंग, आई मीन टू से जो राइटिंग है वो वी फोर है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेटर है। तो यहाँ पर ये एक एग्जांपल है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का कि मैं खत लिख रहा हूँ, ये काम जारी है जिसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। और उसके हमने सेंटेंसेस के टाइप पढ़े थे, जैसे अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंटोगेटिव, वो भी हमने अच्छे तरीके से आगे डिस्कस करने हैं। लेकिन इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब इसके टोटल तीन हेल्पिंग वर्ब, एम है, आर है, और उसके साथ इज़ है। और ये कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ लग सकते हैं? इज़ जो है वो स्पेशली थर्ड पर्सन के साथ लगता है, शी, इट, ही, और सिंगुलर नाउन के लिए। सिंगुलर नाउन आप जब इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए आप इज़ लगाएंगे। और उसके साथ आर क्या है? वी के साथ आर लगता है, और दे के साथ आर लगता है, और उसके साथ प्लूरल जब आप कोई भी किसी किस्म का नाउन लगाएंगे तो उसके साथ भी आप आर लगाएंगे। और एम क्या है? एम सिर्फ और सिर्फ आई के लिए यूज़ होता है। एम हम किसके लिए यूज़ करते हैं? सिर्फ और सिर्फ आई के लिए। मतलब कि अगर हम सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट देंगे तो हेल्पिंग वर्ब ये लाने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम सब्जेक्ट शी दे रहे हैं, या सब्जेक्ट इट दे रहे हैं, या सब्जेक्ट ही और या किसी भी किस्म का सिंगुलर नाउन दे रहे हैं, तो हमें हेल्पिंग वर्ब इज लगाना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि ये खाना खा रही है, ये या ये खेल रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि ये भाग रहा है, ये भाग रही है, किसी भी किस्म का अगर सिंगुलर नाउन भी लगा ले तो उसके साथ इज़ लगाएंगे। जैसे कि शी इज़ वॉकिंग, इसके जो है ना, इसके एज कम्पेयर टू दैम एज अकॉर्डिंगली टू द फार्मूला, तो यही लिखेंगे कि शी इज़ ईटिंग मील एंड ही इज़ ईटिंग मील एंड इट इज़ आई मीन से इट इज़ ईटिंग मील वाट एवर वी कैन कॉल, तो इसके लिए ये आ सकते हैं। और आर के लिए क्या आ सकते हैं? वी है, दे है, और किसी भी किस्म का प्लूरल आई मीन से प्लूरल नाउन। और एम के लिए ये आई होता है। तो ये इसके लिए जो है ना हेल्पिंग वर्ब के यूजेस हैं। और बाद में हमारे यहाँ जाते हैं कि सेंटेंस, मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस है, इंटोगेटिव सेंटेंस है, उनके फार्मूलाज कैसे बनते हैं, उनका जो है ना उनका असर असूक यहाँ पर कैसे होता है। यहाँ पर हमारे यहाँ आ जाता है नेगेटिव,
नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये नेगेटिव मीनिंग शो करता है किसी भी आई मीन टू से सेंटेंस के लिए। तो ये सेंटेंस का टाइप है। अगर हम उस सेंटेंस को ही जो है ना नेगेटिव या नाकारी कर लें, जैसे कि अगर उसमें लिखा था, बेसिकली फार्मूला लिख लेते हैं इसके लिए। यहाँ पर सेम आएगा, सब्जेक्ट आएगा और हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन थर्ड नंबर पर जो है ना वो नॉट आएगा और फोर्थ नंबर पर वी फोर और उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट आएगा। और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये नेगेटिव है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पर, जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई भी लिख सकते हैं ही, और हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है ये अब हम आपको बता चुके हैं कि ही के साथ इस लगेगा ही इज नॉट ईटिंग मील, ये खाना नहीं खा रहा। यहाँ पर हमने एक चेंजिंग की कि नॉट लगाया, यू ये नॉट लग जाएगा तो सेंटेंस को नेगेटिव कर देगा, ये सेंटेंस का टाइप है। तो यहाँ पर आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे जब आप, तो ये आपका नेगेटिव टेंस भी अच्छे तरीके से आप कमांड हासिल कर लेंगे इस पर, ये आपका स्टेबलाइज हो जाएगा। तो उसके साथ साथ ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव क्या होता है हमने पहले भी आपको बताया था, फिर भी बता लेते हैं। इंट्रोगेटिव में किसी भी किस्म का सवाल आप पूछते हैं सेंटेंस को, तो उसके लिए आप इंट्रोगेटिव यूज़ करते हैं। तो इसका फार्मूला इस तरीके से हम लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके साथ साथ सब्जेक्ट आएगा और उसके साथ वी फोर और उसके साथ ऑब्जेक्ट और उसके साथ साथ क्वेश्चन मार्क जब आप लिखेंगे। क्योंकि जब आप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन किसी से पूछते हैं तो आपकी जो बोलने का अंदाज होता है, जो आपकी भावना होती है, उससे समझ जाते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको ही जो है ना लिख लेते हैं, इज ही ईटिंग मील, क्या ये खाना खा रहा है। अगर मैं किसी से पूछूं कि क्या ये खाना खा रहा है, तो ये मेरे जो है ना बोलने का अंदाज है जो इसको बता रहा है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसलिए जो क्वेश्चन मार्क है बेसिकली लिखेंगे तो ये आप इंट्रोगेटिव को जाहिर करता है। नेगेटिव हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको नेगेटिव को डिस्कस किया है, उसके बाद इंट्रोगेटिव को डिस्कस किया है, और उसके बाद जो है ना आई मीन टू से इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल आई मीन से अफर्मेटिव के फार्मूलाज देखे और हेल्पिंग वर्ब को देखा कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब लग सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।